फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा न्यू ब्लॉग आ रहा है, मैं आपको कांगड़ा माता के दर्शन करवाऊंगा, जो कि ब्रजेश्वरी माता के नाम से जानी जाती हैं। तो इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। तो चलते हैं फिर, माता के दर्शन करते हैं और यहाँ का व्यू दिखाऊँगा आपको। फर्स्ट व्यू है और मंदिर का मेन गेट दरबार है, नगरकोट धाम माता श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर। चलते हैं फिर मंदिर की ओर। तो फ्रेंड्स, आपको पंडित विकास मक्खन जी बताएंगे माता को चढ़ाने के लिए क्या क्या यहाँ पे लगता है, बताएंगे आप फिर। हाँ जी, जय माता की जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ माता जी को सूखे नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है, जो कि एक प्रथा के अनुसार बलि के रूप में भी होते हैं। तो ये भेंट होते हैं, इसमें नारियल, चुन्नी, सुहावी, प्रसाद वगैरह सब कुछ होता है, और ख़ासकर पंचमेवे का भोग यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और वैसे तो चढ़ाने का तो फल जो मर्जी चढ़ा दो, वो तो माई के दरबार में चढ़ता ही है। लेकिन मेन जो भेंट होती है, जो यात्री यूपी से आते हैं उनकी जो मेन भेंट होती है, वो होती है नारियल भेंट, सूखे नारियल की भेंट। तो ये हमारे यहाँ की प्रथा है। तो ये फ्रेंड्स, मंदिर के जाने के लिए अंदर रास्ता है। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर के अंदर का व्यू है। ब्रजेश्वरी जी का बैकग्राउंड है और आप देख ही सकते हो, राजाओं के टाइम का बना हुआ मंदिर है ये माता जी का, और कितना ही ऊंचा मंदिर है। बावन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, चार शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के अंदर है, नैनली में नैन गिरे हैं और चिंतपुर में चरण गिरे हैं, ज्वालामुखी भगा गिरी है, और यहाँ पर माता बजी देवी के मामांग गिरा है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट जो महाराज की, और यहाँ बिहार का सती पार्वती के अंदर जहाँ गिरे वहीं देवी पर घूमे हैं, तो यहाँ बक्सर स्थल गिरा हुआ महाराज का, तो उसी हिसाब से इसको इस क्षेत्र का नाम जो है नगरकोट धाम भी कहते हैं इसको उत्तर प्रदेश के लोग, और माता बजी देवी नाम है इनका, कांगड़ा वाली भी कहते हैं, इस प्रकार से नाम से जानी जाती है। तो पंडित जी, इनका निर्माण पांडवों ने किया था? ऐसा है कि ये मंदिर कई बार बना है और कई बार गिरा है, लेकिन 1905 में जो अभिषेक हुआ है उसे मंदिर गिर गया था, तो दोबारा इसका पुनः निर्माण किया गया था। पांडवों का हमारे पास इसका कोई इतिहास नहीं है।
ये भोले जी का मंदिर है,